हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम आयुषी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टे सेफ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक सीरम का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि बहुत ही हाइप सीरम है और ये purple.com की तरफ से है। बट इस सीरम का रिव्यू देखने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस सीरम का रिव्यू मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ वो है ये है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। बहुत ही अच्छा फेस सीरम है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली purple.com पे ही मिलता है और ये इसकी गुड वाइब्स रेंज की तरफ से है जो कि एक सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ पर्पल पे ही मिलते हैं क्योंकि पर्पल की ओन ब्रांड है। तो चलिए अब हम पहले सीरम की बात कर लेते हैं। आपको इसकी आउटर पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये सीरम कुछ इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जिसमें फ्रंट में इसका गुड वाइब्स रोज हिप्स रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, इसकी नेट क्वांटिटी दे रखी है जो कि 10 ml है और इसकी प्राइस है 215 rupees। बट ये हमेशा आपको purple.com पर डिस्काउंट पे मिल जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी 2 years है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ कि इसकी बॉटल कैसी दिखती है। यह है इसकी बॉटल। मैंने एक्चुअली इसे अपने रेगुलर यूज में यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने ये निकाला हुआ है। मैं इसे अपने नाइट टाइम में यूज करती हूँ क्योंकि जब इसे हम लगाते हैं तो ये नेक्स्ट डे हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा एक ग्लो लेके आता है और ये क्लेम भी करता है कि हमारी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देता है। सबसे पहले मैं आपको रोजहिप बताती हूँ क्या होता है। रोजहिप रोज का फ्लावर जो होता है उसमें राउंड पोर्शन जो बॉटम में दिया होता है वो रोजहिप होता है जो कि कुछ इस टाइप का रेड कलर का दिखता है। एंड रोजहिप एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी, सी और ई बहुत ही अच्छी तरह इंक्लूडेड होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। रोजहिप हमारी स्किन के कोलेजन को इंक्रीज करता है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा करता है, यानी स्किन में मतलब जो नमी मॉइस्चर स्किन का जो टेक्सचर होता है ना उसे बहुत अच्छा करता है। ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है। ये हमारी स्किन में बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी स्किन में ग्लो एंड रेडियंस लेके आते हैं। आप इसे लगातार 1 हफ्ते यूज करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ये हमारी स्किन से एजिंग के साइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है जो की बहुत अच्छी बात है। और ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है तो किसी भी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। ये एक लाइट वेट और नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ आता है। मैं इसको आपको ओपन करके इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये कुछ एक्चुअली जब ये आया था ना, ये एक बॉटल उसमें कैप थी, ड्रॉपर अलग से आया था, बट मैं इसे रेगुलरली यूज कर रही हूँ तो मैं इसमें ड्रॉपर लगा लिया है। लुक एट दिस, ये ना बहुत ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी में नहीं आता, ये एक नॉन रनी कंसिस्टेंसी में आता है। लुक एट दिस, कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत ज्यादा रनी नहीं है। मैं आपको इसे अपने स्किन पे एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्विकली मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और इसने क्या शीन छोड़ी है मेरी स्किन पर, बहुत अच्छा है। आप लोग भी इसे अपने नाइट टाइम के स्किन के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है बट फिर भी मैं इसे यूज कर रही हूँ। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसने मेरी स्किन में ग्लो प्रोवाइड किया है, मेरी स्किन में सॉफ्टनेस लेके आया है, सपलनेस लेके आया है और ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप नाइट टाइम में फेस वॉश के बाद टोनर यूज करके इसे यूज कीजिए। इसके 2 to 3 drops ही काफी होती है अपने फेस के लिए और उसके बाद अपना नाइट मॉइस्चराइजर यूज कीजिए तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे। सो मेरे लिए तो थम्स अप था इस प्रोडक्ट के लिए बिकॉज मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने ये आपको शेयर किया है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा और प्लीज कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताया करिए कि आप आगे किस चीज का रिव्यू देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर छोड़ा कीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियोज अच्छी बना रहे हैं और हम आगे भी इसी टाइप की वीडियोज बनाएंगे। सो अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।